दोस्तों Amazon Prime Day सेल हर साल की तरह इस साल भी वापस आ चुका है और इस साल हमें सेल जो है 26-27 तारीख को देखने को मिलेगा जिस पे आपको काफी स्मार्टफोन पे बड़े-बड़े डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं बेस्ट स्मार्टफोन डील्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको Amazon Prime Day सेल में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि Amazon Prime मेंबरशिप आप सस्ते में कैसे ले सकते हो। तो यहां पे अगर आप एक यूथ हो जो कि 18 से 24 एज के अगर जो लोग हैं उनको यहां पे Amazon Prime जो मेंबरशिप है वो 500 रुपए में मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सभी चीजों का, तो वहां से जाकर आप चेकआउट करना। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन डील्स है मैं आपको ब्रांड वाइज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे वन प्लस की बात करते हैं कि आखिरी चर्चे में है, क्योंकि वन प्लस नॉट टू यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ये फोन आपको यहाँ पे सेल के द्वारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट HDFC बैंक का कार्ड डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, 10% का डिस्काउंट यहाँ पे रहता है। अप टू कितना तक रहेगा वो तो सेल के दिन ही मालूम चलेगा, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा कि 10% अप टू कितना आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वन प्लस नॉट टू में भी यहाँ पे आपको HDFC कार्ड का डिस्काउंट प्लस एडिशनल अगर आप कोई फोन एक्सचेंज करते हैं तो 1000 रुपीज का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट वन प्लस का जो 9 सीरीज है उसमें भी काफी बढ़िया डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको वन प्लस 9R पे काफी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 5000 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर है प्लस HDFC का बैंक डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वन प्लस 9 की बात करें तो यहाँ पे आपको 4000 रुपीज का एडिशनल एक्सचेंज ऑफर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिस्काउंट भी उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वन प्लस 9 प्रो की बात करें जो कि फ्लैगशिप फोन है वन प्लस की तरफ से, इसमें भी आपको 7000 रुपए का एडिशनल एक्सचेंज अमाउंट देखने को मिलेगा अगर आप कोई फोन एक्सचेंज करते हो, प्लस आपको एडिशनल जो HDFC का कार्ड डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल की बात करें तो यहाँ पे मुझे दो ऑफर काफी बढ़िया लगे। तो यहाँ पे iPad जो लोग परचेस करना चाहते हैं, iPad अभी काफी ट्रेंड में है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी काफी बढ़िया रहता है। तो iPad Air 4 लेटेस्ट iPad यहाँ पे है तो उस पर आपको फ्लैट 8000 रुपीज डिस्काउंट देखने को मिला है, जो कि जो एप्पल का खुद का स्टूडेंट डिस्काउंट है उससे भी 3800 रुपए अप्रोक्सीमेट सस्ता है और यहाँ पे आपको एडिशनल जो आपको कार्ड डिस्काउंट है वो तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ईयर iPhone 11 पे काफी धमाकेदार डिस्काउंट आया था और इस साल भी iPhone 11 में काफी धमाकेदार डिस्काउंट आया है। काफी अच्छा फोन है, पुराना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैमरा और जो परफॉर्मेंस है उसको मतलब आजकल के फोन को आराम से बीट कर देगा। तो यहाँ पे iPhone 11 काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहा है, 48,000 से यहाँ पे आपका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं Xiaomi की, तो Xiaomi का जो फोन है Mi 11X काफी बार डिस्काउंट पे आता रहता है, अभी फिर से ये डिस्काउंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 28,000 इसका बेस प्राइस रहेगा, ऊपर से यहाँ पे आपको बैंक डिस्काउंट है, प्लस अगर आप कोई फोन एक्सचेंज करते हैं तो आपको एडिशनल 5000 रुपीज यहाँ पे ऑफ देखने को मिलेगा, तो काफी डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे Redmi Note 10 सीरीज जो है, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, इन सभी में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 13,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको एडिशनल जो कार्ड डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। Redmi Note 10 सीरीज काफी सक्सेसफुल सीरीज है, यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले और कैमरा भी यहाँ पे काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो Redmi Note 10 सीरीज अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे जो बजट सेगमेंट है Redmi 9A, Redmi 9 और Redmi 9 Power, इन सब में भी डिस्काउंट है, बिलो 10,000 रुपीज़ ये सब आपको बजट फ़ोन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका बजट आपका कम है तो यहाँ पे आप इन फ़ोन की तरफ भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं Samsung फोन्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं Samsung Galaxy M51 जिसपे आपको 7000 mAh बैटरी देखने को मिलता है, तो ये फ़ोन भी डिस्काउंट पे आ रहा है, बिलो 20,000 ये आपको देखने को मिलेगा। और Galaxy M42 जो कि एक Samsung की तरफ से बजट 5G फोन है वो आपको यहाँ पे 22,000 रुपए का देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो Galaxy M31S है वो आपको 15,500 रुपए का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो इनका फ्लैगशिप सीरीज है Samsung Galaxy Note सीरीज, इस पे काफी डिस्काउंट हमेशा आता है, तो ये फोन अभी करेंटली 78,000 का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेल के द्वारा आपको बिलो 60,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो लोग Samsung Galaxy Note सीरीज परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो ऑफर का टाइम ही बेस्ट रहता है कि अगर आप नोट सीरीज खरीदना चाहो तो काफी कम प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिलता है। और Samsung के लगभग हर फोन्स पे आपको 9 मंथ का नो कॉस्ट EMI प्लस यहाँ पे 6 मंथ का फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल के द्वारा अगर आप परचेस करते हो। तो
आईक्यू के फोन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आईक्यू के फोन्स भी यहाँ पे काफी पॉपुलर है और इस सेल में भी काफी डिस्काउंट पे आने वाला है। तो आईक्यू का जो पॉपुलर मॉडल है IQ Z3, ये भी यहाँ पे आपको डील पे देखने को मिलेगा, बिलो 20,000 ये हमें देखने को मिलेगा। प्लस इस पे आपको कूपन के द्वारा और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो IQ 7 5G जो कि इनका फ्लैगशिप सीरीज है, इस पे भी आपको काफी बढ़िया डील्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 870 देखने को मिलता है, 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। तो ये फोन भी यहाँ पे काफी अच्छे प्राइस पे देखने को मिलेगा, बिलो 28,000 ये फोन आपको देखने को मिलेगा सेल के द्वारा, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो ऑफर्स वगैरह रहेगा और एक्स्ट्रा एक जो आपको कूपन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे IQ 7 लेजेंड इनका जो एकदम फ्लैगशिप फोन है, जिसपे कि आपको स्नैपड्रैगन का 888 देखने को मिलता है, और ये फोन भी आपको काफी अच्छे प्राइस पे देखने को मिलेगा, बिलो 40,000 ये आने वाला है, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट है और यहाँ पे जो बैंक डिस्काउंट है, उसके बाद ये फोन आपको इफेक्टिवली बिलो 40,000 देखने को मिलेगा। तो यही थे कुछ फोन्स जो कि मुझे लगता है आपके चेकआउट के वर्थ है, और यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, कुछ फ्यूचर अपडेट आता है तो उसको भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर से चेकआउट करना है। कुछ आपको क्वेश्चन है नीचे कमेंट खुला है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।